साल 1946, दिन 14 और 15 अगस्त, जो भारत के इतिहास के ऐसे दो दिन हैं जिन्हें हम कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि 14 अगस्त के दिन भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम का अलग देश बनाया गया और 15 अगस्त के दिन भारत अंग्रेज हुकूमत से आजाद हुआ था। अब जब 14 अगस्त के दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस पंजाब का भी विभाजन हुआ था। इस कारण आज मौजूदा समय में एक पंजाब पाकिस्तान के पास भी है और एक पंजाब भारत के पास भी है, और दोनों ही देशों की सरकारों ने इस राज्य का नाम भी नहीं बदला है, क्योंकि इस पंजाब क्षेत्र में 5 नदियां बहती है, इस कारण इस क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ गया था। लेकिन जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब से दोनों ही देश आर्थिक रूप से एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं, जिसमें भारत आज पाकिस्तान से आर्थिक मामलों में कई गुना आगे निकल चुका है। इस बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान का यह पंजाब भारत के इस पंजाब की तरह अर्थव्यवस्था में आगे निकल पाया? आजादी के बाद पाकिस्तान के पंजाब और भारत के पंजाब में क्या क्या फर्क आया है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान में किस देश का पंजाब आज बेहतर स्थिति में है, भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में आजादी के बाद कितना अंतर आ गया है, दोनों ही देशों के पंजाब की अर्थव्यवस्था में कितना फर्क है, और कई बड़े देश और यूरोपीय संस्थाएं ऐसा क्यों मानती है कि पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र भविष्य में पाकिस्तान के विभाजन की वजह बनेगा, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम दोनों ही देशों के पंजाब की GDP, क्षेत्रफल, जनसंख्या, डेवलपमेंट और आतंकवाद जैसे कई आंकड़े हैं वो जानते हैं, ताकि जिनके आधार पर बताया जा सके कि कौन सा पंजाब बेहतर स्थिति में है। इस मैप को देखें। अगर भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्रफल की बात की जाए, तो 1946 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब पंजाब को भी दो भागों में विभाजित किया गया था। अब आजादी से पहले जो पूरा पंजाब था वो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि यह पंजाब विदेशियों के लिए भारत में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार था, क्योंकि ऊपर की ओर हिमालय है, नीचे रेगिस्तान है और इसके नीचे समुद्र था, तो पंजाब भी ऐसी जगह थी जिससे होकर कोई भी बाहरी आक्रमणकारी भारत में घुस पाते थे। जैसे सभी अरबी और मुस्लिम शासक पंजाब को जीतने के बाद ही भारत में दाखिल हो पाए थे, इस कारण से ज्यादातर अरबी मुसलमान पंजाब के हिस्से में ही बस गए और वहीं पर रहने लगे थे। तभी तो भारत के विभाजन के समय पंजाब के एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान में मिला दिया गया, क्योंकि इसमें मुस्लिम आबादी काफी थी। इस कारण बंटवारे के समय पंजाब का 44% हिस्सा भारत में शामिल किया गया, जबकि 56% हिस्से को पाकिस्तान में मिला दिया गया। अब आजादी के समय भारत के पंजाब राज्य का पूरा क्षेत्रफल 358,356 किलोमीटर का था, लेकिन समय के साथ पंजाब को विभाजित करके हरियाणा अलग हुआ, हिमाचल प्रदेश अलग हुआ, बाद में चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे राज्य का निर्माण भी किया गया। इस कारण से वर्तमान पंजाब का क्षेत्रफल मात्र 50,362 स्क्वायर किलोमीटर ही है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 1.53% हिस्सा ही है। दूसरी ओर पाकिस्तान का पंजाब उसके निर्माण के समय से ही अविभाजित रहा है, यानी पहले जैसा था वैसा ही, और पाकिस्तान का पंजाब उनके बलोचिस्तान राज्य के बाद उनका दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पाकिस्तान के पंजाब का कुल क्षेत्रफल 205,344 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्रफल की तुलना में भारत के पंजाब से 4 गुना बड़ा है। फिर क्षेत्रफल के बाद अगर भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब की आबादी की बात की जाए, तो पाकिस्तान के पंजाब की आबादी 11 करोड़ के आसपास है, जबकि भारत के पंजाब की आबादी मात्र 2 करोड़ है। पाकिस्तान का पंजाब उसका दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के कारण ज्यादा आबादी होना स्वाभाविक है, और ऊपर से पाकिस्तान का पंजाब पाकिस्तान के बाकी सभी राज्यों से ज्यादा विकसित और ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने वाला राज्य है, इस कारण इसकी आबादी भी ज्यादा ही होगी। और दूसरी ओर भारत के पंजाब में भी बड़े बड़े उद्योगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन भारत के पंजाब में ज्यादातर लोग खेती करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि पंजाब की भूमि बहुत ही उपजाऊ है और भारत के बाकी राज्यों में पंजाब से ज्यादा कंपनियां मौजूद है, इस कारण ज्यादातर लोग काम की तलाश में उन राज्यों में रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में रोजगार की बहुत कमी है। पाकिस्तान के बाकी राज्यों में कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं है, यानी ज्यादातर पाकिस्तानियों को
पंजाब राज्य में ही रोजगार मिलता है। इस कारण से ज्यादातर पाकिस्तानी लोग पंजाब में ही रहना पसंद करते हैं, तभी तो उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। अब आबादी और क्षेत्रफल में बड़ा होने से कोई भी राज्य विकसित या उस राज्य के लोगों की आय नहीं बढ़ती है और ना ही उन लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, बल्कि जो राज्य छोटा हो और उसकी आबादी कम हो तो उस राज्य के लोग ज्यादा सुखी और विकसित होने के साथ ही उन राज्य के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरता है, जहां पर उच्च शिक्षा, तकनीक और ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है। लेकिन पाकिस्तान के पंजाब में ना तो उच्च शिक्षा है और ना ही पाकिस्तान का पंजाब प्रांत तकनीकी रूप से सक्षम है, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत समेत पूरे पाकिस्तान में शिक्षा का स्तर बहुत ही न्यूनतम और पिछड़ा हुआ है। पाकिस्तान में अधिकतर शिक्षा उर्दू और मदरसे में होती है। इस कारण से पाकिस्तान के लोगों में धार्मिक तौर पर अधिक कट्टरता है, और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले अधिकतर लोग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ही होते हैं। और वहीं द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का पंजाब प्रांत की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट मात्र 75.84% ही है, और 30 लाख लोग अभी भी अशिक्षित है। इन आंकड़ों में 80.44% पुरुष शिक्षित है, जबकि 70.41% महिलाएं शिक्षित है। और सामने भारत के पंजाब राज्य की साक्षरता दर 84.78% है, जिसमें से 88.36% पुरुष शिक्षित है और कुछ 77% महिलाएं शिक्षित है। वहीं भारत का संविधान भी कहता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा लेना उसका मौलिक अधिकार है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तकनीकी रूप से भारत का पंजाब पाकिस्तान के पंजाब से आगे है, क्योंकि पंजाब में भारत का पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान में मेट्रो लाइन भी अभी शुरू हुई है। इसके अलावा भारत सरकार ने पंजाब के लिए स्टार्टअप पंजाब नाम की स्कीम चालू की है, जिसके जरिए पंजाब में नए नए स्टार्टअप का भी निर्माण हो रहा है। फिर पाकिस्तान के पंजाब और भारत के पंजाब में गरीबी के ग्राफ को देखा जाए तो पाकिस्तान इस ग्राफ में आगे है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी SDPI की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 19% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.4% है। वहीं हाल ही में पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी, इस बाढ़ से पंजाब प्रांत के लोगों के ज्यादातर फसलें नष्ट हो गई है। इस कारण से पंजाब प्रांत समेत पूरे पाकिस्तान में गरीबी की दर और बढ़ गई है। लेकिन भारत के पंजाब को देखा जाए तो यहाँ पर गरीबी की दर मात्र 2% ही है, क्योंकि पंजाब सरकार के द्वारा गरीब कल्याण योजना, आटा दल स्कीम जैसी अनेकों स्कीम चल रही है, तो इन योजनाओं से पंजाब में गरीबी की दर को और भी कम किया जा रहा है। वहीं रोजगार में भी बढ़ोतरी हो रही है और भारत के पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.14% ही है। फिर भारत के पंजाब के GDP और पाकिस्तान के पंजाब की GDP के आंकड़े को देखा जाए तो पाकिस्तान के पंजाब की GDP 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि भारत के पंजाब की मात्र 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही है। लेकिन पाकिस्तान की कुल GDP 263 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी पाकिस्तान की 80% GDP अकेले उनके पंजाब प्रांत की ही है, जबकि भारत की कुल GDP में भारत के पंजाब का हिस्सा मात्र 2 से 2.5% ही है, यानी पाकिस्तान की GDP पूर्ण रूप से उनके पंजाब प्रांत पर ही निर्भर है। यानी अगर पंजाब में कुछ भी प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद संबंधित घटनाएं होती है तो इससे पाकिस्तान की GDP पर इसका सीधा असर होता है, जबकि भारत के पास पंजाब के अलावा और भी ऐसे कई राज्य हैं जिसका भारत की GDP में पंजाब से बहुत ज्यादा योगदान है। और इतना ही नहीं, भारत के पंजाब की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक की दर 0.724 है, जबकि पाकिस्तान के पंजाब की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दर 0.564 है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी राज्य की विकास दर क्या है, तो मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का विकास दर मात्र 2 से 3% ही है, जबकि भारत के पंजाब की विकास दर 6% के आसपास है, यानी लगभग डबल, जो भारत के पंजाब के लिए एक अच्छा संकेत है। और भारत के पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 2,08,000 प्रति वर्ष है, जबकि पाकिस्तान के पंजाब की प्रति आय 1,30,000 रुपये ही है। अब भारत का पंजाब हो या चाहे पाकिस्तान का पंजाब, दोनों ही राज्य अपने देशों के लिए खाद्यान्न उत्पादन के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। पाकिस्तान का पंजाब पूरे पाकिस्तान के खाद्यान्न उत्पादन में 20% का योगदान करता है, जबकि भारत का पंजाब भारत के खाद्यान्न उत्पादन में
27% का योगदान करता है। यानी छोटा होने के बावजूद भी भारत का पंजाब अनाज उत्पादन में काफी आगे है। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब में बड़े बड़े आतंकवादी संगठन भी मौजूद है। इसमें अलकायदा, तहरीक तालिबान, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे कई संगठन मौजूद है, जबकि भारत के पंजाब में कोई भी ऐसा संगठन मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, क्राइम रेट और ड्रग्स जैसे क्षेत्र में भी भारत का पंजाब बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी 2021 के मुताबिक पंजाब प्रांत के क्राइम रेट में 44% तक की गिरावट आई है, क्योंकि पंजाब प्रांत में मात्र 29,479 क्राइम की रिपोर्ट हुई है। वहीं भारत के पंजाब की बात की जाए तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब क्षेत्र में क्राइम रेट 32.8% तक बढ़ गया है। वहीं साल 2021 में 82,875 केस रजिस्टर किए गए थे। इसके अलावा ड्रग्स कंजप्शन यानी ड्रग्स लेने के मामले में भी भारतीय पंजाब में 8,60,000 लोग हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, और वहीं इसी आंकड़े में भी 40% की कमी देखी गई है, जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ड्रग्स लेने वालों की संख्या 29 लाख के आसपास है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत का पंजाब पाकिस्तान के पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान से भी कई गुना बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता ज्यादा होने के कारण दूसरे धर्म के लोगों को आसानी से रहने नहीं दिया जाता। इस वजह से आजादी के समय पाकिस्तान में जिन सिखों और हिंदुओं की संख्या उनके पंजाब में 18% तक थी, उनकी संख्या अब मात्र 0.3% रह गई है। लेकिन अगर भारत के पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 57.69% सिख, 38.48% हिंदू, 1.93% मुसलमान, 2.4% जैन और बौद्ध और बाकी धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 97.2% मुस्लिम, 2.3% क्रिश्चियंस और 0.3% हिंदू और कुछ बाकी धर्म के लोग रहते हैं। और कई बार तो पाकिस्तान की सरकार भी दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करती है। इस कारण से कई बार यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान को फटकार मिली है। वहीं भारत के पंजाब में पंजाबी और हिंदी बोली जाती है, जिसमें पंजाबी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, जबकि पाकिस्तान के पंजाब में भी ज़्यादातर पंजाबी ही बोली जाती है और पंजाबी के साथ उर्दू, सिंधी और पश्तो भाषा भी बोली जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ की आधिकारिक भाषा उर्दू भाषा है। तो इन सभी आंकड़ों और रिपोर्ट से साबित होता है कि भारत का पंजाब पाकिस्तान के पंजाब से कई गुना बेहतर है, और पाकिस्तान के पंजाब की GDP भारत के पंजाब से बेहतर ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ के विकास दर और रोजगार दर भारतीय पंजाब से काफ़ी कम है। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कि कई बड़े देश मानते हैं कि भविष्य में पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह उनका पंजाब राज्य ही बनेगा। तो बड़े बड़े देशों का ऐसा क्यों कहना है? तो अमेरिकी और यूरोपीय संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश 1972 में अलग हो गया था, उसी प्रकार आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांत भी पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण और भारत से युद्ध होने की वजह से पाकिस्तान से टूटकर अलग देश बन जाएगा। और पाकिस्तान की सरकार ये भी बात जानती है कि भविष्य में पाकिस्तान टूट सकता है, इस कारण से पाकिस्तान की सरकार अपना सारा पैसा पंजाब प्रांत में ही निवेश कर रही है। तभी तो पंजाब प्रांत का पाकिस्तान के कुल GDP में 80% हिस्सा आता है। और इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के मंत्री और सेना के सभी अधिकारी भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही अपना सारा पैसा निवेश करते हैं। वहीं पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में अपने बजट का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा निवेश करती है, क्योंकि इन्हें डर है कि हमारा निवेश किया गया सारा पैसा जब यह राज्य आज़ाद हो जाएगा तब उनके डेवलपमेंट में काम आ जाएगा। इस डर से पाकिस्तान की सरकार अपना सारा फंड्स पंजाब में ही निवेश करती है। इस वजह से बलूचिस्तान और सिंध जैसे राज्यों में भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं मौजूद है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।